हाय गाइस, दिस इज प्रेम और आज हम बात कर लेते हैं कि आईसीएसई क्लास 10th 2020 और आईएससी क्लास 12th 2020 के बोर्ड एग्जामिनी के रिजल्ट निकलेंगे तो उनके परसेंटेज का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, उनको मार्क्स किस तरह से अवार्ड किया जाएगा और सारी जानकारियां जिसके लिए आप इम्पेशेंट हैं। सीआईएससी बोर्ड के बहुत बड़े ऑफिशियल ने बताया कि ट्रेन अब डिरेल हो चुकी है, मतलब पटरी से उतर गई है। देयर आर लेस and lesser possibilities of conducting such examination in present scenario because already session is lagging behind or it might be of 3 months, April, May or June. जो वर्तमान क्लास 1 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट हैं जिनको प्रमोशन दे दिया गया है उनकी ही पढ़ाई ठीक ढंग से शुरू नहीं हुई है। एपीबी आनंदम पर स्टूडेंट की पढ़ाई की जा रही है लेकिन स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कितना है इसका पता कौन लगाएगा? पढ़ाई हो जाने से ही सब होगी। उन्होंने जैसा कि बताया कि स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, कॉपीज के साथ साथ उनके स्टेशनरीज नहीं है और आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर निकाला है कि स्टेशनरीज और कॉपीज के दुकानों को खोला जा सकता है। इस कंडीशन में कुछ भी कहना मुश्किल ही नहीं, असंभव नाम की बात उन्होंने बोली। कहा कि पहले स्कूल तो खुल जाए, स्कूल रन तो करे, तब जाके ना आप कहेंगे कि एग्जाम क्या होगा। अब इस विषय के बाद कुछ बोलने के लिए बचा नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि अब मोटे तौर पर रिजल्ट के प्रिपरेशन का टाइम है क्योंकि मई का महीना खत्म नहीं हो जाए, इसलिए देश भर के सभी टीचरों से इस बात की तस्दीक की गई है और सीआईएसई एफिलिएटेड जितने भी आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के स्कूल हैं उनको कहा गया है कि वो अपने स्टूडेंट के एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के डाटाज को सुरक्षित करें क्योंकि हो सकता है विशेष परिस्थितियों में, आई रिपीट, ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसेस रिजल्ट मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन अल्टरनेटिव मेथड्स। इसके लिए बेस्ट 5 के टेक्निक्स को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कई पेपर के एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं और अगर उन पेपर के एग्जामिनेशन नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट के निकालने की संभावना होती है तो स्टूडेंट को फेवर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो आप स्टूडेंट को फेवर कैसे करेंगे? स्टूडेंट को फेवर करने के लिए वैसे भी सीआईएसई बोर्ड के अंतर्गत मिनिमम लगभग 1 से 2% स्टूडेंट फेल करते हैं, वो कम कर दिया जाएगा। अब जितने पेपर के एग्जामिनेशन हो गए उसके हिसाब से तो आप मार्किंग और परसेंटेज को निकाल लेंगे लेकिन जिन पेपर के एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं उस पर कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, इस पर ऑफिशियल्स और स्कूल पदाधिकारियों के बीच में बात हुई है। उनका एक क्लू बताता है कि इसके लिए इंटरनल असेसमेंट के साथ स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि स्टूडेंट कैसा अपने स्कूल में परफॉर्मेंस करते रहे हैं। इस विषय पर प्री बोर्ड 2020 को कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब कि आईसीएसई क्लास 10 2020 के बोर्ड एग्जामिनी ने 2019 में प्री बोर्ड दिया होगा या 2020 में भी, तो उसके रिजल्ट पैरामाउंट नहीं होंगे। और इसी तरह से आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट को भी उसी मानदंडों के हिसाब से मार्क्स देने की बात कही जाएगी क्योंकि सिचुएशन अल्टरनेट है और इस सिचुएशन में कुछ भी ऑफिशियली कहना किसी के बस की बात नहीं है। इस सिचुएशन में रोज कुछ ना कुछ बातें उठती हैं और इन बातों को लेकर सीआईएससी नहीं पढ़ना चाहती है। सीआईएससी ने कई सारे अपडेट दिए हैं और अब जो सिचुएशन आई है उसमें रिजल्ट को लेकर 3 चैलेंज हैं कि पोस्टपोन पेपर के मार्क्स स्टूडेंट को अवार्ड किए जाएंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन क्या होगा, इस विषय पर भी विचार होने लगी है। दूसरी बात है कि यदि स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दे दिए जाएंगे तो भी अ काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस होगा। बात यहां पर उठी है कि स्टूडेंट को उसके क्लास 10th में एकेडमिक परफॉर्मेंस और पहले के भी रिपोर्ट रहे हैं स्कूल के पास, उसको भी विचार किया जाना चाहिए। हालांकि यह अभी इनिशियल लेवल पर थॉट है लेकिन आपके रिजल्ट में इन सारी बातों को शामिल किया जा सकता है। सो बी अलर्ट, बी अवेयर एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर स्टडीज, डोंट स्टिक टू आईसीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशन एंड आईएससी क्लास 12th एग्जामिनेशन। प्लीज, if you consider my point and views, and make the black thumb blue and subscribe to the channel for such crucial updates.